मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 11 हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में से 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनादर ट्राइंगल हूज साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट एंगल। तो ये जैसे हमने सेकेंड वाला करा था सेम वैसा ही है, पर हमारा यहाँ जो हम दूसरा ट्राइंगल बना रहे हैं वो बड़ा बनेगा, बराबर ना। तो देखो अब सेम वैसे ही उसी तरह से यहाँ पर जो है सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं, बराबर। ये देखो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पीछे से मैं ले रही हूँ, बराबर। तो ये आप देखो काउंट करोगे ये 7 हो जाते हैं, बराबर। ये 7 सेंटीमीटर है ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे 6 सेंटीमीटर बनाने हैं, तो मैं मेरा डिवाइडर 6 सेंटीमीटर तक का लूँगी, बराबर। सी पे रखूँगी, एक मैंने कट लगाया है ना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेंगे हम। यहाँ पर बी पे रखा और यहाँ पर दूसरा, तो ये जो है हमारा प्राइमरी ट्राइंगल, देखो यहाँ पर, बराबर ना, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ए बी सी ये हमारा प्राइमरी ट्राइंगल बन गया, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, वही उसी तरह से एक लाइन नीचे लेते हैं, बराबर, इस तरह से। इसे मैं कितने हिस्सों में डिवाइड करूँगी, 7 हिस्सों में, बराबर ना। क्यों 7 हिस्सों में, कि 7/5 है, बराबर ना। तो ये इस तरह से हमने लाइन ले ली और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, बराबर। अब ये क्या है, मेरा 5 है, तो ओरिजिन मेरा 5 है, तो मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पर एक फ्री हैंड, पहले तो हम इसे आर्क बनाते हैं, आपको पता है ना, इस तरह से हम आर्क बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस पर। ये मेरा डिवाइडर अच्छा नहीं है, ये इस तरह से जो है आप आर्क बनाओगे, बराबर, सेम डिस्टेंस पर पूरे 7 तक आर्क बनाने हैं। अब फ्री हैंड हमारा डिवाइडर ओपन करेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाते हैं इस तरह से, जो हमने स्टेप में सेकंड क्वेश्चन में करा था ठीक उसी तरह से। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जितना एंगल बनता है उतना ही 7 B7 पर बनेगा, बराबर ना। B7 पर भी हमें बनाना है, फिर इस तरह से हम यहाँ पर भी बना लेते हैं, बराबर। अब जो है मुझे B7 पर भी बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे कि B7 पर भी मैं फ्री हैंड एक आर्क बनाती हूँ। तो ये जितना डिस्टेंस है, ये ऊपर वाला जितना डिस्टेंस है उतना ही ओपन करूँगी और यहाँ पर मैं दूसरा आर्क बनाती हूँ, तो ये जो है यहाँ पर बन जाता है। फिर मैंने यहाँ से B7 को C से मिलाया और मैंने यहाँ पर भी आर्क बनाया और वही आर्क यहाँ पर बनाया, दोनों का जितना डिफरेंस है यहाँ पर रखकर यहाँ पर भी आर्क बनाया, बराबर ना। तो ये देखो सेम ही बन रहा है, फिर हम जो है लाइन मिला देते हैं, तो इस तरह से जो है हमारा ये ट्राइंगल बन जाता है। और इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख सकते हो और इसका जस्टिफिकेशन मांगा जाए कि आपको जस्टिफिकेशन भी देना है, तो जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा, बराबर ना। देखो यहाँ पर, बराबर। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हमारे एक जैसे ही थे, बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने B7 तक लिया और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने B3 तक लिया, बराबर ना। दोनों देखो दोनों हमारे जो है ट्राइंगल्स सेम ही बने, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।